नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। यूएस डॉलर में जो प्राइस ट्रेड होता है, अब इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं, जो हमारा पिछला ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उसमें हमने जिस तरीके का ट्रेंड देखा और जो अभी मार्केट चल रहा है, दोनों का हम एक व्यू लेके चलेंगे। देखिए, फ्राइडे का जो सेशन था उसमें हमने एक चीज़ देखी कि मार्केट ओपन हुआ था और जो ओपनिंग से ही था, मार्केट का जो इनिशियली जिस तरीके की मूवमेंट थी उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें बिल्डअप होता रहा था, जिसकी अगर मैं चार्ट्स पे बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ ये था मार्केट में, और थोड़ी सी डाउन साइड आ रही थी, मार्केट नीचे जा रहा था, उसके बाद इसमें एक शार्प करेक्शन आई जो इसे लेकर गई $1670 तक। 1670 का इसने लगभग एक लो बनाया, 1670 का इसने लो बनाया और उसके बाद से इसमें एक थोड़ी सी बाइंग आनी शुरू हुई और जो इसने वीकली क्लोजिंग करी वो $1681.82 के आसपास इसने अपनी वीकली क्लोजिंग कर दी। अब पैटर्न कुछ इस तरीके का बना कि जो चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एक हैवी करेक्शन आई है जो बहुत टाइम से हमने किसी भी हफ्ते में देखी नहीं थी। ठीक है, अब मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो $1686 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो इसके फ्राइडे के लो से करीब करीब ये $16-17 ऊपर है। ठीक है, ये हमारे लिए या आपके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में एक सेलिंग की साइड, मतलब एक ट्रेड करने की। देखिए, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि गोल्ड जो है वो काफ़ी एक करेक्शन दिखा रहा है और वो करेक्शन भी इस तरीके की दिखा रहा है कि जो इसका मंथली लो था, ये मैं बात कर रहा हूँ मई के लो की, मई का जो इसका लो था वो भी $1670 का था। ठीक है, अब ये जून का इसने एक लो लगाया, ये भी $1670 का है। तो इसमें जो ये एक बाइंग आनी शुरू हो रही है थोड़ी सी, ये बिल्कुल उसी लेवल पे है 1670 पे। अभी मैं आपको मंथली चार्ट में यहाँ पर दिखा दूंगा, चार्ट्स में जो भी ये बाइंग आ रही है, देखिए या तो हम उस चीज़ का वेट कर सकते हैं कि ऐसा जब होता है तो एक मार्केट को अपसाइड में एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, वो ब्रेकआउट मिलने का इसका लेवल काफ़ी ऊपर है, वो होगा $1711 पे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें हम एक अपसाइड देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे लिए, जब तक ये 1711 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ये हमारे लिए सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन है, हमें इसमें सेलिंग में बने रहना चाहिए। पूरे चांसेस हैं कि ये कोशिश करेगा कि इस लेवल को ब्रेक करने की, जो इसका लास्ट मंथ का जो लो था और उसके, और अगर ये उसे ब्रेक करता है तो इसमें हम और काफ़ी अच्छी हम करेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो 1711 का आप एक लेवल ध्यान में रखेंगे, वो लेवल करीब करीब यहाँ का है, इस लेवल को आप ध्यान में रखेंगे। ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें एक ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर का, वो ब्रेकआउट काफ़ी तेज़ भी रहेगा, ये मैं आपको बता दूँ, वो ब्रेकआउट काफ़ी तेज़ हो सकता है, पर जब तक ये इस लेवल के नीचे है मार्केट में हम एक सेलिंग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। जो भी मार्केट में ओपनिंग ट्रेड आपको मिलता है, अगर MCX में आप ट्रेड करते हैं तो अगर आपको ओपनिंग ट्रेड मिलता है तो वहाँ पर जैसे ही मार्केट एक टर्न लेना शुरू करेगा, अभी लग रहा है कि थोड़ी सी ये गैप अप ओपनिंग के साथ खुल सकता है MCX में, तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा टर्न लेना शुरू करेगा तो वो एक सेलिंग प्रेशर होगा गोल्ड पे, उसका आप फ़ायदा उठाइए। और $1711 का, ये मैं डॉलर टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, 1711 का आप ध्यान रखिए लेवल, उसके ऊपर जब ये जाएगा तभी इसमें बाइंग आएगी, अदरवाइज़ इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। और आवर्ली चार्ट्स पे और फोर आवर्स के चार्ट पे, टू आवर्स के चार्ट पे, सब में इसमें सेलिंग है, और मतलब हर तरीके से जो चार्ट्स हैं वो एक सेलिंग शो कर रहे हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ थी जहां पर थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस गलत हो गया था, वो ये वाली थी, ये जो इसमें एक टर्न आया था, ये यहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे, पर अल्टीमेटली मैंने आपको ये बताया था कि गोल्ड एक हैवी सेलिंग की तरफ जा रहा है, हो सकता है उससे पहले थोड़ा सा एक मूवमेंट ऐसी दिखाई इसने
बाइंग आनी शुरू हो जाए मार्केट में, मतलब या फिर कुछ जो चार्ट्स हैं वो गलत इंडिकेशन देने शुरू कर दें। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इसने एक बाइंग दिखानी शुरू कर दी थी, पर फिर से इसमें इस इन लेवल्स पे एक सेलिंग आ गई थी और जिसके बाद मार्केट में एक हैवी करेक्शन हमें देखने को मिली। और अब मैंने आपको लेवल बता दिया है 1711 का, आप लेवल ध्यान में रखें, इसके ऊपर ही सेलिंग है, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी मैं भी बताया था कि मंडे का जो दिन है वो शायद ऐसा रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और वहाँ से नीचे आ जाएगा, या नीचे भी नहीं आता तो कंसोलिडेट हो जाएगा शायद यहाँ तक के लेवल में कुछ। तो वो आप एक ये मत समझिए कि मार्केट में तेज़ी आ गई, वो एक सेलिंग ही है, पर नीचे के लेवल पे थोड़ी सी एक बाइंग आ रही है। ठीक है, ये 1 घंटे के चार्ट पे था, मैं आपको 4 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इसने इस लेवल को ब्रेक करा है और उसी का रीज़न है कि थोड़ा सा इसे सपोर्ट मिलने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सपोर्ट मिल रहा हो। ये कैंडल ब्लू है, ये ब्लू है, ये ग्रीन 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 ग्रीन, अब इस तरीके का। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कैंडल बहुत ही एक अपना जो बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा रख रही है ग्रीन का, इसके बाद एक दो कैंडल और ग्रीन बन सकती हैं, पर जो रेड बनेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये 4 घंटे के चार्ट पे था। डेली चार्ट्स पे एक नज़र मारते हैं, डेली चार्ट्स पे भी आप देखेंगे कि जो ये लो लेवल था ये इसने ब्रेक कर दिया है। अब जो इसका मंथली लो था वो ये था, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि सिर्फ इसी का ब्रेक होना इसे नीचे की साइड में रह गया, ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होना ये नीचे की साइड में रह गया। ये अगर ब्रेक हो जाता है और गोल्ड नीचे सस्टेन करता है तो इसमें हम एक शार्प करेक्शन देख सकते हैं, शायद 1600 के डॉलर हमें बहुत इजीली देखने को मिल जाएं यहाँ तक के लेवल। पर वही देखना होगा कि 1670 ये ब्रेक करता है तो कब करता है, आज तो शायद मुश्किल रह सकता है क्योंकि मार्केट को थोड़ा इतनी शार्प करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उसमें अभी ये चल रहा है। आज का दिन शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और कल से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होने को ये भी हो सकता है कि शायद आज ही करेक्शन आ जाए। पर मार्केट में आप बाइंग में ना बैठें गोल्ड में, मेरा यही सजेशन है। इसमें सेलिंग चल रही है और वो काफ़ी टाइम से उसके इंडिकेशन इस कैंडल पे ही, जो थर्सडे कैंडल थी उस पे हमें मिल गए थे, उसके बाद इसने ये जो कैंडल बनाई थी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, हमारा एनालिसिस गलत कह लीजिए या चार्ट्स या फिर बाइंग थोड़ी जो है वो हमारे जो एनालिसिस है उसके अगेंस्ट आई थी, तो सिर्फ वही चीज़ थी। पर मैंने आपको गोल्ड में एक चीज़ बताई थी कि गोल्ड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, अब वो शॉर्ट टर्म पीरियड लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है नहीं होता, उस चीज़ का अभी इंडिकेशन हमें मिलने शुरू हो रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही एक हैवी करेक्शन से गुजर रहा है, अगर इसे ऊपर आना भी है तो मार्केट को यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट होके एक थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाना होगा, अदरवाइज मतलब ये बहुत ही हैवी करेक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मंथली चार्ट पे और दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका आप ये लो देखेंगे, ये 1670.43, यहाँ पर 1670.43 का इसने एक लो मारा है। और इससे अगर मैं करंट मंथ पे देखूँ यहाँ पर ये 1670.88, ठीक है, ये बहुत मार्जिनली वहाँ से ब्रेक करने से रह गया है। तो ये अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही एक नीचे तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 1600 डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बाद इसे शायद वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थोड़ा सा हम मैं ये भी देख रहा हूँ कि शायद सपोर्ट मिलने का हो भी। तो ये था मेरा गोल्ड US डॉलर पे अभी का वीडियो, कुछ इसमें मुझे कुछ अपडेट करने का रहेगा तो मैं ज़रूर उसे भी लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, मार्केट रिपोर्ट लाइक करें, और कुछ अगर आपको फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।